बिहार की ये सियासी तस्वीर आप भी देख लीजिए। नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी शपथ लिया। राजभवन में शपथ ग्रहण के साथ ही सभी एक चेहरे को ढूंढ रहे थे। यह चेहरा था बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। शुरुआती तस्वीरों में सुशील मोदी दिखे भी नहीं। शपथ ग्रहण के बाद जब नीतीश कुमार राजभवन से निकलने लगे तो सुशील मोदी कैमरे में कैद हुए, जिसमें वो नीतीश कुमार को बधाई देते हुए दिखे। और धीरे धीरे नीतीश कुमार तो आगे बढ़ गए, लेकिन सुशील मोदी वहीं छूट गए। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सुशील जी हमारे एक एसेट है, पार्टी उनका भी विचार करेगी, कोई नई जिम्मेदारी उनको मिलेगी। सुशील मोदी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी ये तो बस कयासों के बस्ते में ही है। लेकिन सुशील मोदी बिहार के सियासत के वो चेहरे रहे जिसने पिछले तीन दशकों से बीजेपी को राज्य में सींचा, जिनकी वजह से लालू यादव की राजनीतिक पारी का अंत हुआ। इतना ही नहीं, महागठबंधन की जो सरकार बनी थी जिसमें लालू यादव के साथ नीतीश कुमार चले गए थे, उसके खिलाफ भी मैदान सुशील मोदी ने ही तैयार किया था। सुशील मोदी 1996 में चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दायर करने वालों में से एक थे। और इस कदम से सुशील मोदी राज्य की राजनीति में और ज्यादा मजबूती से स्थापित हो गए। इतना ही नहीं, साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। और तो और 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने लालू परिवार से दूरी बनाई और 26 जुलाई 2017 को सरकार गिरी। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने। उन्हें नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सुशील मोदी लालू परिवार की संपत्ति को लेकर हमेशा हमलावर रहे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार पर मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले तस्वीर से कोई अलग हुआ तो सुशील मोदी ही थे। जिस तरीके से बिहार की सियासी तस्वीर से सुशील मोदी साइडलाइन हो रहे हैं, ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि केंद्र में पद मिलने वाला है तो वहीं राज्यपाल बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन सुशील मोदी ने भारी मन से ये तो बता ही दिया कि वो संघ के कार्यकर्ता तो बने ही रहेंगे। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।